अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिजवी बॉयज। अब आज हम कहीं जा रहे हैं। गुड्डू का रोल पराठा, हम जा रहे खाने गुड्डू का रोल पराठा। जारूगोट का मशहूर गुड्डू का रोल पराठा, जो मैंने भी आज ही नाम सुना है। आज भाई हमें वहाँ लेके जा रहे हैं, तो अभी हम वहाँ जाते हैं। अभी हम यारू के आलीशान रोड पर गुड्डू की तरफ गामसन है। हम जा रहे हैं यारू के, आपने ये दुकानें देखी होंगी, यारू में नई बेकरी खुली है रॉयल्स वालों की, और यारू का मशहूर और मारूफ हॉल। माशाल्लाह बैंक्यूट हो गया, हॉल तो नहीं है ये, और ये यारू के खतरनाक और साफ सुथरे गड्ढे। ऊंचे नीचे रास्ते है यारू रोड वालों के वास्ते। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अब दो ही बना रहे हो क्या? तू नहीं खाएगा क्या? क्यों आधा खा लिया लगा दिया? नहीं भाई, मैं नहीं खिलाऊंगा आधा, इसके लिए अलग से लगा दो। हाजी एक प्याज हटा दो बिल्कुल ही भाई, ये एक जो इसमें डाल दिया इसको दे दो ना, तीसरा लगाओ। ये हमने दो रोल का ऑर्डर दिया है ये, लेकिन हमारा पूरा नहीं होगा, तो हमने इसीलिए एक रोल का और ऑर्डर दे दिया है। रोल बन रहे हैं, खीरा लगा दिया इन्होंने, ये इनके दुकान की कोई चटनी मशहूर। ये क्या है? चने की दाल, चने की दाल भी डाल दी। रोल लबरेज हो गया है, और रोल को पलटी मारते हुए ये रोल के नीचे दबाने के लिए तैयार। ये तो बहुत छोटे छोटे पीस बना रहे हैं इसके, सही है ताकि आसानी से खा लिया जाए। ये मुंह के साइज का रोल का पीस बना रहा है। ये कटिंग होने के बाद रोल प्लेट में डाल दिया, चटनी भी डाल दी, और ये प्लेट में आद भाई को दे दूं। और ये बस रोल बहुत जल्द अभी आद भाई के मुंह में होगा, मैं अपने लिए भी ले लूं इनसे रोल। इन्होंने दो तरीके की चटनी, एक तरीके का केचप और लगा में दे दिया, और अब हम खा के देखते हैं ये कैसा लग रहा है। बेहतरीन जायका है इसका, ज़बरदस्त।